in most manufacturing facilities where products and material are being produced and transformed. यानी बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं जहाँ पे हम प्रोडक्ट बनाते हैं या मटेरियल बनाते हैं और उसको प्रोड्यूस करना होता है, ट्रांसफॉर्म करना होता है, तो वहाँ पे क्या करते हैं, सम टाइप ऑफ प्रोसेस हीटिंग इज़ रिक्वायर्ड. तो हीटिंग की तो ज़रूरत पड़ेगी ही. तो हम लोग हीटिंग के लिए अभी तक क्या पढ़े थे कि भाई स्टीम बॉयलर होता है, स्टीम बॉयलर के थ्रू हम या तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं, बची खुची जो स्टीम होती है हम वो प्लांट में यूज़ कर लेते हैं हीटिंग पर्पज़ के लिए. तो उसके अलावा क्या कोई ऐसा मेथड आया है जिसके थ्रू हम हीटिंग कर सके? तो यस ऑफ कोर्स, दैट इज द नेक्स्ट मेथड इज थर्मिक फ्लूइड हीटर. तो हम अब थर्मिक फ्लूइड हीटर के बारे में पढ़ने वाले हैं जो कि नॉन स्टीम हीटिंग सिस्टम में आएगा. इन मैनी ऑफ दीज फैसिलिटीज दिस हीट इज प्रोड्यूस्ड एंड डिस्ट्रीब्यूट थ्रू द यूज ऑफ बॉयलर सिस्टम. ये अभी तक होता रहा कि बॉयलर सिस्टम के थ्रू हम ये प्रोड्यूस कर रहे थे और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे. बट वॉट मैनी प्लांट मैनेजर एंड फैसिलिटी ऑपरेटर डोंट अंडरस्टैंड is that the boiler are among the most common heating equipment when it come to industrial heating. जब industrial heating की बात हो रही है तो क्या boiler ही है और available हमारे लिए? क्या hot oil heater are अ बेटर ऑप्शन? तब वहाँ पे क्या निकल के आया हमारा, हॉट ऑयल हीटर आर बेटर ऑप्शन है जो कि आपके बॉयलर से भी बेटर रहेगा व्हेन इट कम टू इंडस्ट्रियल हीटिंग इन ऑलमोस्ट एवरी केस. थर्मिक फ्लूइड हीटर क्या होते हैं? अ थर्मल फ्लूइड हीटर इज अ क्लोज लूप, यानी ये क्लोज लूप में होते हैं यूजिंग थर्मिक फ्लूइड एज द हीट ट्रांसफर फ्लूइड. और जिसके थ्रू हीट ट्रांसफर हो रहा है उस फ्लूइड को हम लोग थर्मिक फ्लूइड कह रहे होते हैं. दिस सिस्टम ऑपरेट एट एलिवेटेड टेम्परेचर वेल द मेंटेनिंग लो सिस्टम प्रेशर. यानी अगर हम सिस्टम का प्रेशर लो रखें तब भी हमें अच्छा खासा एलिवेटेड टेम्परेचर मिल जाता है. टाइप्स ऑफ थर्मिक फ्लूइड हीटर की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जितने टाइप के हम उसमें फ्यूल यूज़ कर रहे होंगे उसको गर्म करने के लिए तो उतने टाइप के ही होंगे. आप लोगों ने को पहले भी मैंने बोला था कि फ्यूल 3 टाइप होते हैं अगर स्टेज वाइज देखा जाए तो, ऑयल गैस सॉलिड हो गया, तो यानी गैस लिक्विड एंड सॉलिड है ना. तो फर्स्ट जो आपका हो जाएगा ऑयल फायर्ड थर्मिक फ्लूइड हीटर, सेकंड आपका गैस फायर्ड थर्मिक फ्लूइड हीटर, थर्ड हो जाएगा सॉलिड फ्यूल फायर्ड थर्मिक फ्लूइड हीटर. फंक्शन ऑफ फ्लूइड थर्म का देखते हैं. फ्लूइड थर्म से आप कन्फ्यूज मत होइएगा, थर्मिक फ्लूइड हीटर को और फ्लूइड थर्म यानी जो आपका थर्मिक फ्लूइड हीटर में हम लोग फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं उसको हम फ्लूइड थर्म बोल रहे हैं. थर्मिक फ्लूइड हीटिंग सिस्टम इज़ अ फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेज. ये एक फुल्ली ऑटोमेटिक पैकेज है. ऑयल गैस फायर्ड होता है, यानी हमने जो अभी इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं वो सबसे बेस्ट कौन सा वाला होगा? ऑयल गैस फायर्ड होगा जिसमें 3 पास हीटर होंगे इन विच थर्मिक फ्लूइड कैन बी हीटेड. जिसके अंदर आपका थर्मिक फ्लूइड जो कि ऑयल होगा उसको हम गर्म करेंगे अप टू 300 डिग्री सेंटीग्रेड ऑलमोस्ट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. यानी ये 300 डिग्री सेंटीग्रेड पे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे इसको गर्म इतना टेम्परेचर दे रहे हैं. ठीक है, अब वहाँ बॉयलर में क्या हो रहा था कि भाई बॉयलर में वाटर का तो आपका जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है, तो भाई हाई प्रेशर हो रहा था तो हमें उसके लिए एक्ट यूज़ करने पड़ रहे थे. यहाँ पे हमें एक्ट भी यूज़ नहीं करने पड़ेंगे और आपका हाइयर प्रेशर भी बढ़ाना नहीं पड़ेगा. देखिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ही आपको रिक्वायर्ड टेम्परेचर मिल रहा है जो कि 300 डिग्री सेंटीग्रेड है. थर्मिक फ्लूइड हीटर इज अ क्लोज्ड सर्किट यूनिट, यानी ये क्लोज सर्किट यूनिट है इन विच अ हॉट थर्मिक फ्लूइड इज सर्कुलेटेड. जो हॉट थर्मिक फ्लूइड है वो सर्कुलेट हो रहा है. द हीट ट्रांसफर टू द प्रोसेस थ्रू अ हीट एक्सचेंजर इन यूजर इक्विपमेंट. टाइप्स ऑफ हीट ट्रांसफर फ्लूइड, तो हीट ट्रांसफर फ्लूइड कितने तरीके के हम यूज करते हैं? तो हॉट वाटर हो गया एक आपका, दूसरा हो जाएगा वाटर ग्लाइकोल का मिक्सचर हो गया, एंड तीसरा हो जाएगा थर्मल ऑयल. तो हॉट वाटर का आपको पता ही है कि बॉइलिंग पॉइंट जो होता है 212 डिग्री फारेनहाइट होता है, फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फारेनहाइट है, कोरोसिव होता है, पानी का है बात कर रहे हैं तो अब कोरिजन तो हो गई तो कोरोसिव है. कंटेंस कंटामिनेंट्स, तो ऑब्वियसली कंटामिनेंट्स है तो स्केलिंग फॉलिंग ये सब प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमें वाटर को ट्रीट करना पड़ता है. आप लोगों ने अभी स्टीम बॉयलर वाले में उसमें पढ़ा है हम लोगों ने,
अगर अब इसी वाटर में हम ग्लाइकॉल थोड़ा सा ऐड कर दें तो उससे फ़ायदा क्या होता है कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है और फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का डिक्रीज हो जाता है। बट बेस्ट हमारा क्या हीट ट्रांसफ़र फ्लूड है, थर्मल ऑयल। और थर्मल ऑयल में भी देखिए दो तरीके के हैं, नेचुरल ऑयल और सिंथेटिक ऑयल। जो नेचुरल ऑयल है वो आपके 600 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहे हैं और सिंथेटिक ऑयल है वो 800 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा रहे हैं। टाइप्स ऑफ थर्मल फ्लूड हीटर, तो थर्मल फ्लूड हीटिंग सिस्टम आर आइडियल फॉर द फैसिलिटीज दैट नीड टू कंसिस्टेंटली अचीव हाई टेम्परेचर। ऑयल बेस्ड सिस्टम गो मैनी नेम्स, ठीक है, तो इसके बहुत ढेर सारे नेम हैं बट दे ऑल रिफर टू द सेम टाइप ऑफ क्लोज लूप ऑयल बेस्ड हीटिंग सिस्टम। तो इनका जो क्लोज लूप ऑयल बेस्ड हीटिंग सिस्टम ही होता है पर इनके डिफरेंट डिफरेंट नेम हैं। तो अदर नेम जो हैं वो ये देखिए आप, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो कि भाई हॉट ऑयल बॉयलर भी बोलेंगे इसी को, हॉट ऑयल हीटर भी बोल रहे हैं, हॉट ऑयल सिस्टम भी बोल रहे हैं, थर्मल फ्लूड हीटर भी बोल रहे हैं, थर्मल फ्लूड सिस्टम भी बोलेंगे, थर्मल ऑयल बॉयलर भी बोलेंगे, थर्मल ऑयल हीटर भी बोलेंगे एंड थर्मल ऑयल सिस्टम भी बोलेंगे। टाइप्स ऑफ हीटिंग, यानी आपको हीटिंग का भी पता होना चाहिए कि हम कैसे हीटिंग करेंगे। एक तो डायरेक्ट मेथड होगा और इनडायरेक्ट मेथड होगा। तो डायरेक्ट मेथड में देखिए, आपने बर्नर लिया, बर्नर से डायरेक्ट गर्म कर दिया है और फ्लू गैसेज यहाँ से आपकी बाहर निकल गई। और इसी तरह एक डायरेक्ट मेथड और क्या होगा कि भाई एक आपका हीट कंज्यूमर इसके अंदर भरा हुआ है, उसके अंदर हीट ट्रांसफर फ्लूड भरा हुआ है और हम इलेक्ट्रिक कॉइल के थ्रू उसको गर्म करें और ये जो हीट कंज्यूमर है वो आपकी हीट ले लेगा। तो ये आपका दो जो दिख रहे हैं, ये बर्नर वाला और इलेक्ट्रिक हीटर वाला, इलेक्ट्रिक कॉइल वाला, ये आपका डायरेक्ट हीटिंग मेथड में आएगा। इनडायरेक्ट हीटिंग सिस्टम में देखिए क्या है, ये आपका बॉयलर है, बॉयलर मतलब हीटर है, ठीक है। तो ये हीटर है, इसमें आपको चार कॉइल्स दिख रही हैं, 1, 2, 3, 4। जो अंदर वाली कॉइल है उसको रेडिएशन जोन, जो बाहर वाली कॉइल का एरिया है उसको कन्वेक्शन जोन बोलते हैं। अब बर्नर से कुछ गर्म कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ फ्लू गैसेस होंगी, तो फ्लू गैसेस आपकी चिमनी में चली जाएंगी और यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपके थर्मिक फ्लूड को गर्म करेंगे। थर्मिक फ्लूड गर्म होगा, गर्म होने के बाद में वो कैसे जाएगा, ये देखिए उसकी लाइन गई, ये थर्मिक फ्लूड गर्म हुआ गर्म हुआ गर्म हुआ, जो कि रेडिएटर जोन में गया। रेडिएटर के थ्रू हमने क्या किया, जिस प्रोसेस को हमें गर्म करना है, ठीक है, अब प्रोसेस से गर्म करा, गर्म करने के बाद में क्या करेंगे, अब इसके टेम्परेचर में कुछ ना कुछ तो डाउन हुआ ही होगा, यानी हीट एक्सचेंज हुआ है, तो जो फिर ठंडा हो गया है थर्मिक फ्लूड, इसको हम फिर से वापस रिसाइकिल कर देंगे और आपके बॉयलर में या हीटर में भेज देंगे। इसको हम कह रहे हैं इनडायरेक्ट हीटिंग सिस्टम। अब आपका एक और तरीके से हम लोगों ने थर्मिक फ्लूड हीटर को डिवाइड किया है, जो कि एक्सेस के बेस पे है। एक वर्टिकल थर्मिक फ्लूड हीटर कहलाएगा और एक हॉरिजेंटल थर्मिक फ्लूड कहलाएगा, हीटर कहलाएगा। तो आपको यहाँ फिगर दिख रहा है वर्टिकल थर्मिक फ्लूड हीटर का। तो बेसिकली ये देखिए हीटर ही है, ये चार कॉइल्स लगी हैं, ये कॉइल्स का और ये बाहर का आउटर शेल है, ये कॉइल्स हैं और ये इनर शेल है इसका। ये आपका ब्लोअर यूनिट है जो और फ्यूल पंप करेगा, तभी तो बर्नर जलेगा। तो आपका बर्नर जलेगा और ये क्या है, टॉप रिफ्लेक्ट्रीज प्लेट लगी होंगी। क्यों लगी होंगी, ताकि हीट ट्रांसफ़र बाहर ना जा सके, जितना आप कंज्यूम कर सकते हो, हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हो उसके लिए। और अब बर्नर जल रहा है तो उसके लिए क्या होगा, कुछ ना कुछ फ्लू गैसेज होंगी तो वो एग्जॉस्ट टू चिमनी चली जाएंगी, ठीक है, जो आपकी एग्जॉस्ट टू चिमनी चली गई। फिर उसके बाद में आपका क्या होगा कि भाई अब थर्मिक, ये आपने ये जो इनसाइड कॉइल है इसके अंदर के एरिया को हम लोग रेडिएशन जोन और आउटर साइड के ये जो आउटर ये दूसरी कॉइल दिख रही है इसको हम कन्वेक्शन जोन बोलेंगे। तो बेसिकली होता क्या है कि थर्मिक फ्लूड हम लेके आएंगे जो कि इनलेट करेंगे। इनलेट करने के बाद क्या होगा कि ये गर्म होगा और ये थर्मिक फ्लूड आपका प्रोसेस में गर्म हॉट ऑयल चला जाएगा। अब इसको, ये हीटर है तो इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ ना कुछ कंट्रोल पैनल लगा होगा। कंट्रोल पैनल लगेगा, जैसे भाई आप कंट्रोल करते हो घर में गैस चूल्हा है तो उसको नॉब होती है ना, आप उसको कम धीमा ज़्यादा, अब इसकी फ्लेम ज़्यादा करनी है कम करनी है, तो इट्स डिपेंड ना। तो उसके लिए हमें कंट्रोल पैनल भी चाहिए ना कि कितना हीटिंग करना है, ऐसा नहीं एक्सेसिव हीटिंग हो गई, टेम्परेचर कितना रखना है, तो उसके हिसाब से हम लोग ये करेंगे। ये आपका हो गया वर्टिकल थर्मिक फ्लूड हीटर। हॉरिजेंटल में क्या होगा, वही इक्विपमेंट आप हॉरिजेंटल में रख देंगे, सेम वही चार कॉइल्स हैं,
अंदर वाली कॉइल रेडिएशन जोन, बाहर वाली कॉइल का आपका कन्वेक्शन जोन कहलाएगा। एक बर्नर होगा, बर्नर से फ्लेम निकल रही होगी। आप क्या करेंगे कि प्री हीटेड एयर आउटलेट बर्नर, यानी जो एयर है इसकी, यानी तो वो आपकी प्री हीटेड आउटलेट बर्नर ये रही, और फ्रेश एयर इनलेट यहाँ से जाएगा, ठीक है। और थर्मिक फ्लूड कैसे होगा, ये एक गया आपका इनलेट, ये यहाँ से है, फिर ये गर्म होके इधर से वापस आ जाएगा। अब इसके अंदर भी देखना होगा, तो उसके लिए कुछ मैन होल दिया होगा, तो ये इंस्पेक्शन मैन होल हो गया। जो गैसेस बनेंगी, फ्लू गैसेस एग्जॉस्ट टू चिमनी, तो ये आपकी चली जाएंगी चिमनी के लिए। अब ये जो आपको ग्राफ देख रहा है, ये थर्मिक फ्लूड वर्सेस स्टीम का ग्राफ है। तो एक्स एक्सिस पे आपको टेम्परेचर शो कर रहा है, एंड वाई एक्सिस पे आपको प्रेशर शो कर रहा है। प्रेशर की यूनिट है केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर गेज, बिकॉज जी लिखा है मतलब गेज, और टेम्परेचर की हमने यूनिट लिखी है डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपको दिख रहा है ये जो ब्लू लाइन है, ये आपकी स्टीम की लाइन है। ये टेम्परेचर के साथ इसका प्रेशर भी कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और थर्मिक फ्लूड के हमें बेनिफिट क्या है कि थर्मिक फ्लूड में क्या होता है कि आपका कांस्टेंट आपका प्रेशर पे अच्छा खासा हमें टेम्परेचर इंक्रीज कर सकते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं सेम वही कंस्ट्रक्शन है, चार कॉइल्स हैं, फ्लेम है, फ्लेम के लिए फ्यूल ऑयल जा रहा है, किससे जलेगा, कुछ ना कुछ तो फ्यूल देना पड़ेगा। तो जो अब ये फ्यूल ऑयल है उसके लिए हमने फिल्टर लगाया है, क्योंकि फिल्टर इसलिए लगाया कुछ ना कुछ इंप्योरिटीज होगी फ्यूल ऑयल में, डस्ट पार्टिकल होंगे वगैरह वगैरह थिंग्स होंगी। आप लोगों ने घर में देखा ही होगा, मम्मी लोग जो घर का चूल्हा होता है उसका भी बर्नर के लिए कुछ ना कुछ चोक क्लीन करने के लिए उसको कुछ ना कुछ रखती है, कि उसके जो फ्लेम जिसमें से निकलती है वो चोक हो जाता है, तो उसको क्लीन करती रहती हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, वहाँ हम यहाँ बार बार जाके चोक को क्लीन तो करेंगे नहीं, तो हम यहाँ पहले से ही क्या करें कि फ्यूल ऑयल का को जितना प्योर से प्योर फॉर्म में ले जा सके तो हम फिल्टर लगा दें, फिर ले जाके उसको बर्न करेंगे, तो हमारा नोजल चोकिंग की प्रॉब्लम कम से कम हो जाएगी। अब इसको कंट्रोल करेंगे किस सिस्टम से, कंट्रोल पैनल से। ऑन ऑफ करना है, टेम्परेचर कितना रखना है, फ्लेम कितनी ज़्यादा जानी चाहिए, गैस कितना, जितना हम फ्यूल ऑयल देंगे अगर फ्यूल ऑयल है तो फ्यूल ऑयल, गैस देंगे तो गैस, जितना उसका कंटेंट देंगे, जैसे आप घर की गैस को कम धीमा नॉब के थ्रू करते हो, तो सेम कंट्रोल पैनल भी आपका यहाँ पर यही करने वाला है। तो बेसिकली ये एक्सपेंशन टैंक भी दिया होगा, डी एरेटर टैंक दिया होगा फ्रॉम द प्रोसेस, एंड क्या होगा, सर्कुलेशन पंप दिया है। तीन चीज़ें और मैंने एक्स्ट्रा लगाई हैं, ये बेसिकली बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही आपको इंडस्ट्री में देखने को मिलेगा, जो थर्मिक फ्लूड होगा वो आप एंट्री जो हीटर में करोगे वो इसी तरह जाएगी। एक्सपेंशन टैंक का कुछ ना कुछ काम है, डी एरेटर का कुछ ना कुछ काम है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक्सपेंशन टैंक लगा है, डी एरेटर टैंक लगा है, आपका ये थर्मिक फ्लूड आया और सर्कुलेशन पंप के थ्रू आपका हीटर में जाएगा। तो हीटर में आपको दिख रहा है, और ये फिर जब गर्म हो जाएगा तेल, तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे, इस ऑयल को ले जाके प्रोसेस में भेजोगे, जहाँ पे भी हमें हीट ट्रांसफर करना है। थर्मिक फ्लूड हीटर का कंस्ट्रक्शन डिज़ाइन के बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा। तो फ्लूड थर्म थर्मिक फ्लूड हीटर कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक कॉयल्स, इन विच इनर कॉयल्स एक्ट एज रेडिएशन जोन एंड आउटर कॉयल एक्ट एज कन्वेक्शन जोन। ये आपको मैंने बताया ही था फिगर में कि जो इनर कॉयल्स हैं वो रेडिएशन जोन है, और जो आउटर कॉयल एक्ट करेंगी वो आपकी कन्वेक्शन जोन की तरह एक्ट करेंगी। फ्लू गैसेस वेलोसिटी इज जनरली हाई बिटवीन द टू कॉयल्स एंड द आउटर शेल, सो हायर द वेलोसिटी विल बी द कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर बिटवीन द फ्लू गैसेज एंड फ्लूड। ऑब्वियसली कन्वेक्शन के थ्रू अगर हीट ट्रांसफर होगा तो फ्लू गैसेज और फ्लूड के बीच में जितनी वेलोसिटी हायर होगी उतना ही अच्छा होगा। थर्मिक फ्लूड हीटर कैन बी मेड आइदर 3 पास और 4 पास डिपेंडिंग ऑन द डिज़ाइन ऑफ थर्मिक फ्लूड हीटर एंड द टाइप ऑफ फ्यूल टू बी बर्न। यानी जो हम 3 पास या 4 पास का बना सकते हैं थर्मिक फ्लूड हीटर जो है, बट उसका डिज़ाइन किस पे डिपेंड करेगा, आपके थर्मिक फ्लूड हीटर के डिज़ाइन पे करेगा, और जो हम फ्यूल उसमें बर्न करने वाले हैं, नंबर ऑफ पासेस के बेस पे इसकी एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। वर्किंग प्रोसेस ऑफ थर्मिक फ्लूड हीटर, तो अब ये करता काम कैसे है। द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 350 डिग्री सेंटीग्रेड ऑफ थर्मल फ्लूड कैन बी अचीव्ड, ठीक है। थर्मल फ्लूड हम 350 डिग्री सेंटीग्रेड तक मैक्सिमम टेम्परेचर अचीव कर सकते हैं इन फ्लूड थर्म। ऑल दो द हायर टेम्परेचर ऑफ थर्मल फ्लूड कैन बी अचीव प्रोवाइड द टेम्परेचर ऑफ फ्लूड डज नॉट एक्सीड द ऑटो इग्निशन टेम्परेचर। फ्लूड हीटर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ अ डी एरेटर एंड एक्सपेंशन टैंक। अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं कि डी एरेटर टैंक और एक्सपेंशन टैंक क्या होते हैं।
The density of fluid decreases with increase in the temperature of the fluid. यानी जो आपकी density है वो decrease होती है और fluid का temperature बढ़ाते हैं तो. So a tank is generally installed in a process to help accommodate the extra volume. अब इस चीज़ की problem को solve करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, extra volume का कुछ ना कुछ tank लगाना पड़ेगा. Extra volume किसका है, extra volume of fluid which is increased due to increase in fluid temperature. और volume किसकी वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि temperature बढ़ रहा है. For every 100 degree centigrade rise in the fluid temperature, the volume of fluid increases 7%. यानी आपके हर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे उसका वॉल्यूम 7% तक इंक्रीज हो रहा है. सो एक्सपेंशन टैंक इज एडेड टू टेक केयर ऑफ एक्स्ट्रा वॉल्यूम. अब ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम कहाँ जाएगा, अगर आप ये एक्स्ट्रा वॉल्यूम के लिए एक्सपेंशन टैंक नहीं लगाएंगे तो फिर तो भाई फट जाएगा आपका हीटर. तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ये सब भी तो देखना पड़ेगा ना, उसका हमने गर्म किया, गर्म करने पर उसका एक्सपेंशन हो रहा है तो एक्सपेंशन के लिए हमने एक्सपेंशन टैंक लगाएंगे. और हर 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे आपको 7% का एक्सपेंशन मिल रहा है, यानी फ्लूड आपका 7% तक का इंक्रीज हो जा रहा है, तो इसके लिए हमने एक्सपेंशन टैंक लगाया है. डीएरेटर टैंक क्या होता है, डीएरेटर टैंक इज द कंबाइंड विद द एक्सपेंशन टैंक एंड इज जनरली यूज्ड टू वेंट आउट एयर. यानी जो उसमें एयर है, एक्सेसिव एयर है, उसको हमें वेंट आउट कर देना है, पूरा उसको वेंट आउट कर देना है फ्रॉम द फ्लूड विच एक्ट एज रेजिस्टेंस, जो कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है इन ट्रांसफरिंग हीट टू द फ्लूड. और मतलब किसका रेजिस्टेंस कर रही है भाई, रोक रही है हीट को फ्लूड में जाने से. तो हम क्या करेंगे, डीएरेटर टैंक्स का मतलब ही यही है कि भाई हम जो एयर है उसको वेंट आउट कर दें. थर्मिक फ्लूड हीटर हैव एप्लीकेशन इन मैनी इंडस्ट्रीज, केमिकल प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ है, पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज भी आजकल इसको यूज़ कर रहे हैं, लुब्रिकेंट्स जहाँ बन रहे हैं वहाँ पे भी, रबर इंडस्ट्रीज हो, आर्टिकल्स मैन्युफैक्चरिंग हो, प्लास्टिक, फार्मास्यूटिकल्स, फूड एंड बायोफ्यूल प्रोडक्शन एक्सेट्रा, जितनी भी केमिकल इंडस्ट्रीज हैं बेसिकली इसको इसका यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये अच्छा खासा बॉयलर का रिप्लेसमेंट है. अब देखिए, हमने थर्मिक फ्लूड हीटर तो पढ़ लिया, ठीक है, उसमें हम कुछ ना कुछ ऑयल यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में पढ़ लिया, उस ऑयल को हम लोग थर्मल फ्लूड कहते हैं. अब थर्मल फ्लूड के करेक्टरिस्टिक भी तो देख ले, क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए. मस्ट हैव गुड हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़, उसकी हीट ट्रांसफ़र प्रॉपर्टीज़ अच्छी होनी चाहिए. हैव गुड थर्मल स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का मतलब है कि भाई गर्म किया, यानी कि दो गर्म किया और तुरंत के तुरंत ही ठंडा हो गया, मतलब काफ़ी देर तक वो गर्म रहे, तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए. दैट अलाउज लॉन्ग पीरियड इन द ऑपरेशन विद स्टेबल सर्विस एबिलिटी. यानी अगर बहुत देर तक हमें उसको ले जाना है किसी लाइन से, तो ऐसा नहीं लाइन में ले जाते ही भाई ठंडा हो गया फिर से गर्म करो, ऐसा नहीं होना चाहिए. तो उसकी थर्मल स्टेबिलिटी अच्छी खासी होनी चाहिए, ताकि वो जितनी ज़्यादा से ज़्यादा देर गर्म रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा. लो विस्कोसिटी होनी चाहिए, अब हायर विस्कोसिटी होगी तो आप पंप कैसे करोगे, लेके कैसे जाओगे. तो लो विस्कोसिटी अक्रॉस द एंटायर वर्किंग रेंज, स्पेशली इन स्टार्टअप कंडीशन एंड अवॉइडिंग हाई इलेक्ट्रिक कंजप्शन. अब हाई इलेक्ट्रिक कंजप्शन कैसे होगा, अब विस्कोसिटी ज़्यादा है तो यानी आपको पंप, यानी पंप लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा पंप लगाना पड़ेगा, यानी मोटर पर लोड बढ़ रहा है. मोटर पर लोड बढ़ रहा है तो क्या हो रहा है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन ही तो बढ़ रहा है. और फोर्थ पॉइंट देखिए, लो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए टेम्परेचर के साथ, अलाउइंग सेफ प्रोलॉन्ग स्टॉपेजेस. फिफ्थ क्या है, लो कोरिजन टू द एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन द सिस्टम. लो कोरिजन होना चाहिए, लो सॉलिडिफिकेशन होना चाहिए, मतलब ये नहीं कि तुरंत के तुरंत जम गया, जरा सा ठंडा पड़ा तो तुरंत ठंडी पड़ी, तो जैसे कोकोनट ऑयल होता है भाई, ठंड हुई तो भाई डिब्बे से बाहर ही नहीं आ रहे हैं, डिब्बे के अंदर ही जमे पड़े हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सॉलिडिफिकेशन नहीं होना चाहिए. लो कोरिजन होना चाहिए, यानी ज़्यादा कोरोसिव नहीं हो, सल्फर कंटेंट वगैरह ये सब कुछ ना हो, जितना कम से कम हम लो कोरिजन वाला ऑयल चूज़ कर सकते हैं वो चूज़ करना चाहिए. मस्ट हैव लो टॉक्सिसिटी, अब भाई लीकेज हो जाए तो ऐसा नहीं कि खुद ही बेहोश पड़े, है ना, तो क्या होना चाहिए, लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए एंड बी इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, इन्वायरमेंट को नुकसान ना पहुंचाए, मेकिंग इट्स डिस्पोजल ईजियर. अब ऐसा नहीं कि हम उसे इन्वायरमेंट में छोड़ रहे हैं तो भाई इतना टॉक्सिक है कि आसपास के लोग भी बेहोश हुए जा रहे हैं, पक्षी भी मरे जा रहे हैं, इन्वायरमेंटल बिल्कुल फ्रेंडली ही नहीं है. तो कैसा होना चाहिए, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होना चाहिए, लो टॉक्सिसिटी होनी चाहिए और इसका डिस्पोजल, यानी अब इसको फेंके तो बहुत ईजी होना चाहिए. व्हेन इट हैज़ फिनिश्ड इट वर्क साइकिल, जब काम अपना कर चुका हो तो हम इसको ईजिली डिस्पोज कर सकें. सेवन्थ क्या है, लो मेंटेनेंस कॉस्ट, यानी ऑब्वियसली लो मेंटेनेंस कॉस्ट होनी चाहिए, लो रिस्क होगा
फॉर पर्सनल एंड मशीनरी। और लो रिस्क कब होगा भाई, ऐसा नहीं कि कोई एक्सप्लोजन, हम थर्मिक फ्लूड ले लिए पेट्रोल, भैया हम तो पेट्रोल से गर्म करेंगे और भाई एक्सप्लोजन तो बढ़ेगा ही, आप पेट्रोल को गर्म करोगे खुद ही एक्सप्लोड हो जाएगा। तो ऐसा नहीं थर्मिक फ्लूड आपको चूज़ करना है। थर्मिक फ्लूड आपको कैसा चूज़ करना है कि जो जिसमें रिस्क कम से कम हो आपके लिए भी और मशीनरी के लिए भी। हॉट ऑयल हीटिंग सिस्टम यानी थर्मिक फ्लूड हीटिंग सिस्टम वर्सेस स्टीम बॉयलर क्यों आया, किस लिए ज़रूरत पड़ी, क्या बेनिफिट्स हैं, स्टीम बॉयलर से कैसे अच्छा है। थर्मल फ्लूड सिस्टम डोंट नीड टू बी प्रेशराइज। आपने देखा ही था ग्राफ में कि एक कांस्टेंट प्रेशर पे हमें अच्छा खासा टेम्परेचर मिल जाता है। सेकेंड क्या है, हॉट ऑयल डज नॉट कॉज कोरिजन। अब ये हॉट ऑयल कैसा है, ये आपका लेस कोरोसिव है। अगर आप वाटर की बात करेंगे तो कितना ट्रीटमेंट करना पड़ रहा है क्योंकि उसमें भाई कार्बोनेट्स हैं, बाई कार्बोनेट्स हैं, सिलिकेट्स हैं, तो इतनी इम्प्योरिटीज़ हैं, बट आपका जो ऑयल है वो कोरोसिव नहीं होना चाहिए, नहीं है, मतलब बेसिकली है ही नहीं वो कोरोसिव इतना ज़्यादा वाटर के कंपेरिजन में। थर्ड पॉइंट क्या है, थर्मल ऑयल सिस्टम डू नॉट रिक्वायर केमिकल रेगुलेशन। अब थर्मल ऑयल सिस्टम है तो केमिकल रेगुलेशन यानी एक्ट वगैरह इसमें नहीं लगते हैं, यानी कि इसके लिए स्पेशली आपका बॉयलर के डिज़ाइनिंग के लिए जो एक्ट है उसको फॉलो करना पड़ेगा, भाई इसके अंडर में आएगा। हाई प्रेशर यूनिट नहीं है तो इतना ज़्यादा उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम लोग बॉयलर में क्या कर रहे थे, स्टीम बॉयलर में, स्टीम बॉयलर का जो ऑपरेटर भी आता है वो सर्टिफाइड होता है, पर यहाँ पर हमें इतना केमिकल रेगुलेशन की ज़रूरत नहीं है। हॉट ऑयल बॉयलर कैन ऑपरेट एट हाइयर टेम्परेचर, ठीक है, तो हॉट ऑयल बॉयलर क्या है, बहुत ही हाइयर टेम्परेचर पे ऑपरेट किया जा सकता है। थर्मल हीटिंग फ्लूड विल नॉट फ्रीज, और जो थर्मल हीटिंग फ्लूड है वो फ्रीज नहीं होता, पर पानी का आपको फ्रीजिंग पॉइंट पता ही है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे तुरंत फ्रीज होना शुरू हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, पूरा ही फ्रीज हो जाता है। तो सिक्स्थ क्या है, इंडस्ट्रियल हीटिंग ऑयल सिस्टम डू नॉट रिक्वायर अ लाइसेंस्ड बॉयलर ऑपरेटर, ये तो मैंने अभी आपको मेंशन ही कर दिया। सेवन्थ क्या है, हॉट ऑयल हीटिंग इज सेफर देन स्टीम। हॉट ऑयल हीटिंग जो है आपके स्टीम से ज़्यादा सेफर है क्योंकि हाई प्रेशर यूनिट नहीं है। एट्थ क्या है, हॉट ऑयल हीटिंग सिस्टम रिक्वायर्स लेस कैपिटल देन स्टीम सिस्टम्स। अब आपको क्या है, बॉयलर के लिए, स्टीम बॉयलर के लिए पूरा एक रूम चाहिए होता है जिसको हम बॉयलर रूम बोलते हैं, पर यहाँ क्या है, हमने हीटर यूज़ किया, जहाँ ले जाना है कुछ तो पोर्टेबल ही आते हैं आपके, जहाँ ले जाना है वहीं करा, या छोटा एरिया लेगा, बेसिकली आपके स्टीम बॉयलर से बहुत ही कम छोटा एरिया लेता है। थर्मल ऑयल सिस्टम आर मोर इफ़िशेंट, यानी अब आपको दिख गया कि जो स्टीम बॉयलर है उससे कहीं ज़्यादा गुना ये मोर इफ़िशेंट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड कमेंट में बताइएगा कि नेक्स्ट टॉपिक में आप लोग को कौन सा पढ़ाऊँ। और हाँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं ऐसी और वीडियो आपके लिए बना सकूँ।